आपके लिए 11th क्लास के लिए यूनिट टेस्ट पेपर जिसको करने से आपके 11th क्लास में तो नंबर मार्क्स आएंगे और जितने भी आप कंपटीशन देंगे उसमें भी आपका सिलेक्शन होगा। तो आप इसको जो है 25 मिनट के अंदर आपको पूरा करना है। 20 मार्क्स का पेपर है। जितने भी 11th क्लास के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जितने भी डमी स्टूडेंट हैं, अगर आप इनको करते हैं तो आपकी लाइफ चेंज होगी। इनको आप अपने कोपे में लेकर टाइम का ध्यान रखते हुए इन क्वेश्चंस को करिएगा। तो देखिए आज का यूनिट टेस्ट पेपर नंबर आपके पास ये है, चैप्टर नंबर 9 हो गया है, यूनिट टेस्ट पेपर नंबर 9 स्ट्रेंथ लाइन जो कोऑर्डिनेट का एक पार्ट है, जो 11th के साथ साथ जितने भी कंपटीशन है उसमें भी आपका यूज होगा। बच्चों इस समय ऑल कंपटीशन निकले हुए कंपटीशन इंडिया के, जितने भी कंपटीशन इस समय चालू हो गए, आप रहिए सजग, एक्टिवनेस रहिए ताकि आपका गोल पूरा हो सके। तो पहला क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का पेपर आपके पास, इसके अंदर आपको टाइम 30 मिनट देना है। तो पहला क्वेश्चन लिखिए, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द टू पॉइंट्स 5-4 and 3-8, इन दोनों पॉइंटों से पासिंग थ्रू लाइन का इक्वेशन क्या होगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 2-3 एंड लाइन 3x + 4y - 11 = 0। क्या डिस्टेंस फाइंड आउट करना है पॉइंट एंड लाइन के बीच में, इनके बीच में क्या डिस्टेंस होगी, ये अपने को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन विच मेक्स इंटरसेप्ट एक्स एक्स पे इंटरसेप्ट कितना 3/4 एंड वाई एक्स एक्स पे इंटरसेप्ट कितना 2/5। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलता है। पता है इसका इक्वेशन क्या होगा, x/a + y/b = 1। ए की जगह ये रखो, बी की जगह रखिए, एलसीएम लीजिए, वही आपका इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन 15x + 8y - 34 = 0 एंड 15x + 8y + 33 = 0। इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस अपने को फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करते हैं, दोनों एक जैसे होनी चाहिए, फिर C2 - C1 करके अपन अंडर रूट 15 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर करते हैं। इस तरह से आपको इसके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट। पुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट क्या है, एक लाइन गिवन है, ये इस लाइन के ऊपर इस पॉइंट से जहां पर ये परपेंडिकुलर लाइन मिलती है इसके बीच की लेंथ अपने को फाइंड आउट करना है। वो पुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट, ये पॉइंट अपने को फाइंड आउट करना है। कैसे, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करके उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 है, फाइंड द एरिया द ट्राइंगल फॉर्मड बाय द लाइन। 3 लाइन दे रखी है अपने को, इन तीनों लाइनों से जो ट्राइंगल बनेगा उस ट्राइंगल का एरिया अपने को फाइंड आउट करना है। कैसे, इस लाइन को 1, 2 और 3 इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आप फाइंड आउट करो, इस इंटरसेक्शन पॉइंट से आप ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह से अपना जजमेंट आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ द लाइन y = 3x + 1 एंड 2y = x + 3 आर इक्वली इंक्लाइन टू द लाइन y = mx + 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ m। क्या कह रहा है ये दो लाइन जो है इस लाइन के साथ एंगल बनाती है, इक्वल एंगल। तो आपको क्या करना है, tan θ1 = tan θ2 इस फॉर्मूले का यूज करके आप इसके अंदर लगाइए और m की वैल्यू आपके पास आएगी। तो इस तरह से बच्चों, क्योंकि आपके लिए उनके एग्जाम होते हैं, इसको सीन से नहीं लेते हैं, देख लेंगे कर लेंगे। तो आप इनको लिखिए, सोल्व करिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में डालिए, आप अपने जजमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना जजमेंट करने के लिए टाइम का ध्यान रखकर इन क्वेश्चंस को करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को भेजिए ताकि आपकी लाइफ चेंज हो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिशन के अंदर भी आपके पास आते हैं।